मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कुछ लोगों को कभी कभी जो है गुदा द्वार के आसपास बहुत ज़्यादा खुजली होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इचिंग अराउंड द एनस। और ये इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उससे फिर रहा नहीं जाता है, वो कहीं भी खड़ा है या बैठा है, चाहे सोशल गैदरिंग में भी गया हुआ है तो भी वो खुजली जरूर करता है, जो कि बड़ा ऑकवर्ड पोजिशन उसके लिए हो जाती है। इसे डॉक्टरी भाषा में प्रोराइटिस एनआई बोलते हैं। हालांकि आपको डॉक्टरी भाषा से तो ज़्यादा मतलब नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि ये होती क्यों है और इसका जो कारण होता है होने का, जैसे मैंने खुद ही कहा कि यीस्ट होता है, मतलब एक तरह का फंगस होता है जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं। इस कैंडिडा की वजह से ये इन्फेक्शन जब होता है, ये फंगल इन्फेक्शन, तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है खुजली होती है रोगी को और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जैसे मैंने बताया है। तो उसके अंदर फिर वहाँ पे अगर जब डॉक्टर चेक करता है तो पता लगता है कि वहाँ पर रेडनेस भी है, बर्निंग भी उसको वहाँ पे बहुत महसूस हो सकती है, इरिटेशन बहुत होती है, पेन भी हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा खो जाएगा तो उसके बाद फिर पेन हो ही जाएगा, सोरनेस की फीलिंग आएगी, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है या और किसी तरह का डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ और इन्फेक्शन भी उसको वहाँ पर साथ साथ लगने शुरू हो जाएंगे। तो उसको ठीक रखने के लिए अगर ऐसा कुछ हो गया है तो सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए, जो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, कि उस एरिया को बिल्कुल ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, मतलब धो के उसको बिल्कुल सुखा के रखना है नहाने के बाद, क्योंकि ये हाइजीन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे अन्य कारण भी होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और फिर इसको ठीक करने के लिए एंटीफंगल मेडिसिन बहुत सारी आती हैं बाजार के अंदर, आप उनको लेकर लगा सकते हैं तो उससे भी ये ठीक हो जाती है। लेकिन पहला कारण होता है कि इसके होने के और क्या क्या कारण होते हैं। जैसे ये आजकल का बरसात का मौसम चल रहा है जिसके अंदर की वार्म वेदर होता है और डैम्प भी होता है, मतलब मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सूटेबल एनवायरनमेंट होता है फंगस को पनपने के लिए। तो इस वाले मौसम के अंदर, वार्म डैम्प वेदर के अंदर, मतलब बरसात के मौसम के अंदर जो है, खासतौर पर जैसे हमारे दिल्ली जैसा शहर है, तो यहाँ पर इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये जो वार्म डैम्प वेदर है तो उस वक्त हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जिससे कि फिर ये ठीक रहेगा। दूसरे कारण होता है कि जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ये फंगल का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि टाइट क्लोथिंग के अंदर से हवा आर पार नहीं होती है, तो हमारे जो कपड़े होते हैं या वस्त्र होते हैं वो ब्रीदेबल नहीं होते इतने ज़्यादा, क्योंकि सिंथेटिक आजकल उनमें बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, तो उसकी वजह से भी ये इस तरह का कारण बन सकता है। और या फिर जब उस स्थान पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इस मॉइस्चर के अंदर, मॉइस्चर वाले मौसम के अंदर, तो फिर वो सूखता नहीं, क्योंकि हवा वहाँ से आर पार नहीं हो रही है, तो वो पसीना जो है वहीं रहता है, और ये पसीने वाली जगह जो है फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, किसी भी वजह से हो गया हो, कोई स्टेरॉइड ज़्यादा खाने की वजह से हो गया हो, या किसी और अन्य बीमारी के कारण से हो गया हो, या किसी और दवा के सेवन से हो गया हो, तो ऐसे लोगों के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे जो लोग जिस तरह से ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, उनको भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। फिर इवन प्रेग्नेंट वुमेंस को भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांस रहते हैं। जो लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। उसका एक कारण क्या होता है, आपका वो एंटीबायोटिक तो जब खाई है तो उसने बैक्टीरिया को मारा है, तो फंगस को भी थोड़ा बहुत मारेगा, तो बल्कि वो तो लगना ही नहीं चाहिए। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो है फंगस होती ही है, सभी के स्किन के ऊपर होती है, और कुछ तरह के बैक्टीरिया भी इसके ऊपर रहते हैं, तो ये बैक्टीरिया और फंगस हमारी स्किन के ऊपर अपना रहते हैं, आराम से शांति से रहते हैं, भाईचारे निभा कर रह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया कम होता है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से बैक्टीरिया या स्किन के ऊपर बैक्टीरिया का लेवल कम हो जाता है, जब बैक्टीरिया का लेवल कम होगा तो फिर वो फंगस को वहाँ पे ग्रो करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसकी वजह से फिर जो है फंगस इन्फेक्शन बढ़ने होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको अब ठीक करने के लिए क्या करें, जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक की वजह से होता है, तो अब एक केस स्टडी आई है कि जो प्रोबायोटिक्स होती हैं हमारी, मतलब जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करने का एक प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, तो अगर उसका भी सेवन किया जाए तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जब बढ़ेंगे हेल्दी वाले तो वो उसको फंगस को कम करेंगे। दूसरा, कोकोनट ऑयल भी इसके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, अगर इसके लगाया जाए तो उससे भी ये इन्फेक्शन कम हो जाता है। या टी ट्री ऑयल एक आता है, उसके प्रयोग से भी जो है फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है।
कुछ एक होम्योपैथिक दवाइयां हैं खासतौर पे, जो मैंने आज का जो टॉपिक हैगा कि फंगस ऑन एनस एरिया, तो उसके लिए पेट्रोलियम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है, किसी और दवा की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ यही दवाई दी तो वो रोगी ठीक हो जाएगा। दूसरा मेजेरियम नाम की एक दवाई दी जाती है इसके अंदर, जिसको हम दे सकते हैं। तीसरी एक सल्फर 30 एक दवाई होती है, उसकी एक या दो ही खुराक का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी एक या दो खुराक का प्रयोग करें, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। हालांकि इस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर 32 दवाइयां दी हुई हैं, जिनके प्रयोग से हम इस रोग को पूर्णतया ठीक कर सकते हैं, लेकिन 32 दवाइयों का यहाँ पर उल्लेख करना बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो इस बात का ऐतराज करते हैं कि आपने थेरेप्यूटिक पार्ट को जो है बहुत पुअरली डिस्क्राइब किया है, लेकिन इसके अंदर मैं आप सबको हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि ये यहाँ पर पूरा का पूरा थेरेप्यूटिक पार्ट्स नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए तो फिर एक अलग से ही टॉपिक लेके और फिर बनाना पड़ेगा, तो वो पूरा का पूरा समझाया जा सकता है और उसके लिए भी 2-3 घंटे का वो लेक्चर बन जाएगा। फिर ये जो जिस तरह जो इसका थीम है इन वीडियोज का, वो पर्पज ही हमारा जो है डिफीट हो जाएगा, तो इसलिए उस बात के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और लेकिन जो ये मैंने 3 दवाइयाँ बताई यही अपने आप में बहुत अच्छी हैं, अगर इन 3 दवाओं से काम नहीं चलता है तो फिर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपना इसका इलाज करवाएंगे तो ये पूर्णतः ठीक हो जाए।